आज शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एंथ्रियम बिल्डर के दो कमर्शियल प्रोजेक्ट को आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। शर्तों के उल्लंघन के चलते दो प्रोजेक्ट्स के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर देखिए नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एंथ्रियम बिल्डर को यह बड़ा झटका, दो कमर्शियल प्रोजेक्ट के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। शर्तों के उल्लंघन के चलते दो प्रोजेक्ट के आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। 1000 करोड़ में दोनों भूखंडों का आवंटन हुआ था। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने आवंटन निरस्त कर दिया है और निरस्तीकरण का लेटर सीओ नोएडा अथॉरिटी को भेजा गया है। और दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से एंथ्रियम बिल्डर को अब कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए एंथ्रियम बिल्डर लगातार विवादों में, जब से इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 94 का, लगातार ही विवादों में बना रहा। इसके ऊपर कई FIR दर्ज हुई गाजियाबाद में और नोएडा में, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये अपनी बेईमानी से बाज नहीं आया। इसकी एक जांच चल रही थी, जो इसको आवंटन हुआ था सेक्टर 94 में, जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 72 में, इसने जब बिड लगाई थी तो उस वक्त अपनी पूरी सूचना, यानी इसकी जो को कंपनी है, जो पार्टनरशिप कंपनी है, इसने पूरी एसिबिलिटी उस बिड में नहीं दिखाई। कहीं ना कहीं जो नियम थे उनको दरकिनार किया गया। महज 5 लाख रुपए ऊपर बिड लगा के इसको ये जमीन मिल गई थी। जब भारत समाचार ने इसकी खबरें दिखाना शुरू करी तो उस दौरान नोएडा विकास प्राधिकरण ने शासन स्तर पे एक लेटर भेज के इस बात की को अवगत कराया था। उसी वक्त से ये जांच चल रही थी, और जब जांच ही खत्म हुई तो उसमें पाया गया कि कहीं ना कहीं बिल्डर की तरफ से घोर लापरवाही करी गई है और अरबों रुपए की जमीन इस तरीके से कम दामों में दी गई। लेकिन सवाल दानिश ये भी है, देखिए ना, सिर्फ बिल्डर की तरफ से लापरवाही, कहीं ना कहीं ये जिस तरह से आवंटन हुआ था और ये बिड जिस तरह से लगाई गई थी, उसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है क्या? जाहिर सी बात है कि जब कोई जमीन आवंटित होती है तो उसमें कोई ना कोई लूप होल अधिकारी की तरफ से ही दिया जाता है, जिसका फायदा ये बिल्डर उठाते हैं। और उसी की जब ये जांच हुई, हालांकि अभी किसी भी अधिकारी का नाम नहीं आया, ज्यादातर जो अधिकारी हैं वो बदले जा चुके हैं, यहाँ के जो सीओ हैं वो भी बदली जा चुकी हैं, रितु महेश्वरी उस वक्त सीओ थी। लिहाजा अब इन दोनों आवंटन जो कैंसिल किए गए हैं, वो साफ तौर से उसमें लिखा भी गया है, मेंशन किया गया कि आखिर क्यों ये आवंटन निरस्त किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम सेक्टर 127 में जो इसकी लैंड है यमुना प्राधिकरण से इसने खरीदी थी, वो भी गलत तरीके से खरीदी थी, और उसमें भी यमुना प्राधिकरण ने M3M के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कहीं ना कहीं कि इसके माफ करिएगा, इसकी तरफ से लगातार जो आवंटन की शर्तें हैं उसको उसके साथ धांधली करी जाती है। जो नियम के अनुसार प्रोजेक्ट को बेचना होता है उसमें भी ये गड़बड़ ज्यादा करता है। 2023 में इसने बिना रेरा का रजिस्ट्रेशन लिए 2023 में अपनी बिक्री प्रोजेक्ट की शुरू कर दी थी, जबकि पूरी तरीके से ये अपराध है। अगर आपके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप किसी भी हाल में इस किसी भी प्रोजेक्ट को बेच नहीं सकते, यानी बिक्री नहीं कर सकते। और ये लगातार करोड़ों अरबों रुपए आम लोगों से उस प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पे ले रहा था, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। इस सेक्टर 94 का जो आवंटन निरस्त हुआ है, ये वही जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट। बिल्कुल दानिश, देखिए ना सिर्फ यही बल्कि कई प्रोजेक्ट में कहा जाए कि इस तरह की अनियमितता जो है वो सामने आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।